Surprise! Yes! आज बहुत ही स्पेशल सरप्राइज, एक छोटा सा मिनी क्या चीज, वॉशिंग मशीन। मिनी वॉशिंग मशीन है। ये तो छोटी सी मशीन, ये कपड़े धोने की मशीन है छोटी। ये हमारे जैसे जो ट्रेवलर होते हैं उनके लिए स्पेशल है, क्योंकि ये छोटी सी है, बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है। और इसके अंदर कपड़ा सुखाने का भी है, कुछ छोटी मशीनें होती है उसमें सुखाने का नहीं होता, इसमें सुखाने का भी है। ये सुखाने वाला बॉक्स है, ये हमने अपने लिए स्पेशल खरीदा है क्योंकि इतनी जगह जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं तो। और अभी बारिश का मौसम है तो कपड़े नहीं सूखते, सबसे बड़ी समस्या कपड़े सूखने की हो रही है हमारे। करीब 5,200 रुपए हमने इसके लगाए हैं। अब आज पहली बार इसको खोला है, काम में ले रहे हैं। अभी इसको काम में लेके बताएंगे कि मतलब ये कितनी सक्सेसफुल है या नहीं है कपड़े धोने में, सुखाने में। 2 ईयर वारंटी भी लिखा हुआ है। शुरू करते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्या क्या करना है पता ही नहीं है। सबसे पहले इसको लाइट में लगाते हैं। अच्छा, ये धोने के लिए बस ये है, इतना सा मोटर मशीन। हाँ, और इसके ऊपर वो पानी जाने के लिए, और ये इसके नीचे है, इसके ये जो पार्ट है और इसके ऊपर आराम से ऐसे रख देंगे तो ये सुखाने का है। ये अंदर वाला, ये तो मतलब कपड़ों के ऊपर लगाने के लिए, कपड़े बाहर नहीं निकले। अच्छा अच्छा, कपड़े डाल सिर्फ सबसे टॉप के ऊपर। अभी इसमें पानी कपड़े डाल के देख रहे हैं कितने कपड़े आएंगे इसके अंदर। अभी चालू कर दिया, यस करना, लेकिन खाली नहीं चलानी। इसके अंदर पानी डालना इतना बहुत है, मुझे तो चल रहा नहीं। आधी बाल्टी पानी डाल दिया, आधी डाल दी। हाँ, बाहर तो नहीं निकल जाएगा पानी है? नहीं, ये बंद है ना, यहाँ से ऑफ है। अच्छा, ये बंद है। ओह, चल गई। पानी गर्म डाली होगी। हाँ, थोड़ा गुन गुन। और ये इस साइड में पानी निकालने वाला। अच्छा, ये है पानी निकालने। ये मुझे लग रहा है नीचे रखते ही अभी जा सकता है पानी। नहीं, हाँ ये वॉश। अच्छा, और ये स्पिन मतलब एक, और ये दो, ये तीन, और ये चार। ये तो मेरे मुझे लग रहा है इतनी आएंगे इसमें। सिया का तो आ जाएगा, एक्स्ट्रा में आ जाएगा। चलो डाल दो इसको, पकड़ो सिया से, पकड़ना बस यहीं पे, पकड़ना बेटे। एक, दो, तीन, और ये चार। एक सिया का भी जा रहा है एक्स्ट्रा में, ले बेटे। दो जोड़ी मेरे हो गए, एक सिया का। अभी तक तो पूरे किले नहीं चल रही है। हां, चल रही है, चल नहीं रही है। चलेगी चलेगी चलेगी, दब गया। पानी कम तो नहीं है, पता नहीं। हाँ, घूमगी 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 घूमगी। नहीं सी, और नहीं डालना बेटा, और दोबारा में डालना पड़ेगा फिर। पानी और डाल दिया, पानी डाल। बस बस, इसकी बहुत ज्यादा कपड़े धोने की पावर नहीं है। ये तो 2-3-4 लोगों के, 2 बड़े और 2 बच्चों के तक तो आराम से हो सकते हैं। अब घूमने लग गए। अभी घूम के घूम, थोड़ा सा गीला होकर के एडजस्ट होने में।
थैंक यू पापा। तेरी छोटी सी मशीन पूरी टोकरी भर दी इसमें, तो हमारे 10 दिन के कपड़े होंगे। ले ये सारे इस मशीन से धोने। जब से हम लोगों ने मशीन ऑर्डर की थी तब से कपड़े धोने घर में बंद हो गए थे। कपड़े धोए बिना मशीन का टेस्ट कैसे होगा? आज पूरा टेस्ट होके ही रहेगा मशीन का कि क्या इतने सारे सब कपड़े धोएंगे और फिर आपको बताएंगे कि ये मशीन कैसी है, मतलब ठीक से काम करती है या नहीं करती है। तभी पता चलेगा। सही है, तो एक कपड़ा अंदर धो करके दिखा देंगे, धूप में क्या पता चलेगा। इसके अंदर ये बेड शीट भी है, दो लोगों के कपड़े इसमें आराम से धो सकते हैं। और अगर जींस डालें तो शायद ये नहीं चलेगी क्योंकि जींस भारी होती है। चलाएंगे तब पता चलेगी, वो तो जींस डाल के देखेंगे। 15 मिनट का इसमें टाइमर है, 5-7 मिनट हम लोगों को हो गई है इस तरह से अब चलाते हुए। इसका टाइमर अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए 15 मिनट हुए। हाँ ये 15 मिनट का टाइमर है। हमारे लिए तो ठीक है, इधर उधर जाएंगे जाते ही हैं, अब रहते ही हैं, तो गाड़ी के अंदर आसानी से, छोटी मशीन है, ट्रेवल के काम की है तो आसानी से गाड़ी के अंदर आ जाएगी। तो ये मिनी वॉशिंग मशीन हमने 5,200 रुपए की ली है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे देंगे भाई, हमने कहाँ से ली है। हम इस तरह का कोई प्रमोशन नहीं करें, हम अपने लाइफ आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। जैसे हम ट्रेवलर हैं तो हमने एक नया आइटम हमने मंगवाया काम में लेने के लिए, तो वो हम आपको बता रहे हैं। कुछ भी इसमें हेडन हम लोग नहीं कर रहे हैं, जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक तो अच्छी चल रही है, खराब चलेगी तो वो भी बता देंगे। और गाड़ी में रखने के लिए छोटी सी है, तो इसी हिसाब से मंगाई है कि छोटी सी है, कम जगह में हम गाड़ी में रख सकते हैं। इसको आधे घंटे से ऊपर हो गया, अभी ये कपड़े निकाल रही हूँ। आधे घंटे 2 बार इसको घुमाया तब जाके, क्या 3 बार? 3 बार घुमा दिया। 3 बार घुमा दिया। अब हो गए क्या ये? हाँ हो गए। इसका पानी निकालेंगे आज तो दोस्तों। हम लोग आपको बता रहे थे, वीडियो भी बना रहे थे, इसलिए बाहर रखा था, बाकी बाथरूम में रखेंगे रोज। अच्छा इसमें बार बार नहीं डालना रहता साफ पानी, बार बार डालो ऐसे होता है ना, तो नहीं होता बार बार साफ कैसे? मतलब पानी ये गंदा हो गया, अब थोड़ा सा पानी मोर धोना ना, वो सिर्फ निचोड़ना ही है। हाँ निचोड़ना है, फिर सुखाना। चलो ठीक है, अब सुखाना है कपड़े, सुखा के और ट्राई कर लेते हैं दोस्तों। कपड़े तो धुल गए, फिर आज पूरे दिन वो देखो वो पूरी पूरी टोकरी वो धोनी है। 100 दिन लाग जाए कोई पता को नहीं। फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी तो वीडियो भी बना रहे हैं, बाहर रखा हुआ है यार। और आज जैसे मतलब बारिश का टाइम हो तब सुखाने में ज्यादा सही रहेगा, बाकी तो बाहर सुखाएं तो क्या दिक्कत है, सीधा ही निचोड़ निचोड़। मतलब अभी बारिश है तो बाहर सूख नहीं रहे हैं इसलिए, बाकी धूप हो तो बाहर सीधा ही सुखा दो, टाइम बच जाए। ये सुखाने वाला इसका छोटा है, छोटा है एक बार इसके अंदर 2 लवर आई है अभी। बस चलो ट्राई करते हैं कैसे सूखते हैं। हिल रही है पूरी, छोड़ना इसको, इसको ढक दें। पानी निकलने लग गया? नहीं नहीं पकड़ना नहीं, पकड़ना नहीं है, पकड़ेंगे कब तक कैसे, कोई चीज रख देंगे ऊपर। हाँ ये काम ठीक है, हाँ ऐसे तो चल सकता है काम। नहीं हाँ तो बहुत ज्यादा हिल रही है ये तो, बहुत ज्यादा नहीं है। सही है, चल जाएगी। हाँ। सुखा देगी क्या इसे? पता नहीं अब देखेंगे।
15 मिनट सुखाने के बाद में वापस सूख गया क्या? नहीं थोड़े थोड़े सूखे। हाँ ठीक सूखे, हवा तो लगे, हवा लगेगी ना तभी सूखेंगे। बड़ी वाली मशीन सुखाती है ना, उतने अच्छे से तो सुखाए नहीं है, लेकिन ठीक है पानी निकाल दिया। ये तो अब जैसे बाहर धूप नहीं है तो अंदर ही पंखे के नीचे छोड़ना पड़ेगा इनको। नहीं मैं नहीं छोड़ो, पकड़ी मोबाइल, पानी तो नहीं, आपको पता चलता है निकलेगा नहीं निकलेगा। पक्का? पक्का। चैलेंज चैलेंज नजदीक लिए। निकल गया ऐसे थोड़ी है, थोड़ा बहुत निकल गया। तो दोस्तों सभी कपड़े हम लोगों ने मशीन से धो लिए और थोड़े थोड़े सुखाती भी है, ठीक है काम चल जाएगा हमारे। तो अगर आपकी भी इच्छा हो, कम स्पेस हो, आप इस तरह की मशीन लेना चाहें तो आपकी इच्छा आप ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जहां से हमने खरीदा है उसका लिंक आपको दे देंगे। चलिए धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए।